अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। शहबाज शरीफ की सियासत अलहदगी, बड़ी खबर, मुल्की सियासत की सबसे बड़ी खबर। शहबाज शरीफ का सियासत को खैर बात कहने का फैसला। शहबाज शरीफ का जख्मी दिल सियासत से बढ़ गया, रिटायर्ड होना चाह रहे हैं। इन दिनों नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसफ अहसन इकबाल चंद और का जिक्र करते वक्त उनकी आवाज़ बढ़ा जाती है। सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार अरशाद बड्डी का दावा, मुल्की सियासत की सबसे बड़ी खबर। शहबाज शरीफ का सियासत को खैर बात कहने का फैसला। सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार अरशाद बड्डी का दावा है कि शहबाज शरीफ का जख्मी दिल सियासत से बढ़ गया, रिटायर्ड होना चाह रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार अरशाद बड्डी की जानिब से तहरीर किए गए ताज़ा तरीन कॉलम में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुतलक तहलका खेज दावा किया गया है। अपने कॉलम में अरशाद बड्डी का कहना है कि सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अब सियासत को खैर बात कहना चाह रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब का दिल सियासत से बढ़ चुका है, यूँ मालूम होता है जैसे वो मायूस हो चुके, उनका दिल जख्मी है। अरशाद बड्डी का कहना है कि इन दिनों जब भी शहबाज शरीफ के सामने उनके बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और अहसन इकबाल और दीगर कुछ रहनुमाओं का नाम लिया जाता है तो उनकी आवाज़ उभर आती है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ से जेल में खसूसी मुलाकात भी की थी। अब मारूफ सहाफ़ी अरशाद बड्डी ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ का जख्मी दिल सियासत से बढ़ गया है और रिटायर्ड होना चाह रही है। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखती हैं? अपनी राय की इस बारे में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।